Hi friends, West Bengal से प्रोसेंजित Intensive Aquaculture Private Limited YouTube चैनल में सबको स्वागत करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप मछली जब छोड़ते हो ना, उसका बाद 7 days वेरी वाइटल होता है, तो आपको देखना पड़ेगा फीडिंग टाइम। फीडिंग टाइम में अगर मछली खाना सही से ले रहा है तो ठीक है, अगर अचानक खाना लेना कम कर दिया तो आपको नोटिस करना है बहुत सारा पॉइंट्स। पहला बात है, देखो खाना देने का टाइम आपको देखने को मिलेगा मछली में, अगर कोई प्रॉब्लम से टेल में प्रॉब्लम है, माउथ में प्रॉब्लम है, स्किन में प्रॉब्लम है, ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा, तो वो सब तो आपको देखना ही है। उसका साथ साथ अगर आपको कोई भी तालाब में स्नेक ज़्यादा दिखाई दिया, तो उसके लिए कोई फांदी बोल के जो फांदी आता है ना, उसके पानी को 1 inch ऊपर में और तालाब का 4 कोना में लगा दीजिए, क्योंकि स्नेक जो होता है ना, वो आपको तालाब का 4 कोना से उठता है ऊपर, और जब भी वो उठने के लिए जाएगा उसमें फंस जाएगा। उसके बाद उसको बाहर फेंक दीजिए, मार दीजिए, आपका मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। उसका साथ साथ आपको बहुत टाइप ऑफ कीड़ा दिखाई देगा तालाब में, बड़ा साइज का कोई अगर कीड़ा है तो उस कीड़ा को आप मारना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा है जब पॉइंट प्रिपरेशन होता है ना, तो पॉइंट प्रिपर मछली छोड़ने से 4 दिन पहले आप उस्ताद और 2 दिन पहले आप क्लीनर यूज़ करें, तो जो छोटा मोटा जो भी कीड़ा होता है वो मर जाता है, क्योंकि बहुत टाइप ऑफ कीड़ा होता है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत मछली को डैमेज करता है, स्किन में डैमेज करता है। जैसे देखिए अभी हम लोग कीड़ा जो हमको मिला उसको हम मर रहा हूँ, कुछ कुछ तो इंजेक्शन टाइप का दे देता है, वहाँ से घाव बन जाता है। और देखिए हम लोग को तो काफ़ी मात्रा में कैटफिश के ऊपर ध्यान देना है, जैसे सिंगी हो गया, मागुर हो गया, पापदा हो गया, गुलसा कैंगड़ा हो गया, ठीक है, और मुरल भी हम लोग कर रहे हो अभी, ठीक है। तो ये सब आपको देखना ही है, तो काम कुछ नहीं है, काम आपका यही है अच्छे से हर पॉइंट को नोटिस करें, कौन सा पॉइंट में क्या हो रहा है। उसका साथ साथ वाटर, देखिए मछली छोड़ने से पहले वाटर कलर जो होता है, मछली छोड़ने के बाद 7 days में वाटर कलर थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन होना चाहिए, तो इसमें भी देखना, अगर नहीं हुआ तो 1-2 बार घाटन दे दीजिए, कि वो भी ज़रूरत है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंकटन होता है जिसके लिए आपको वाटर ग्रीन लगता है, वो आपको दिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है, ठीक है, इसका वजह से भी हमको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको नोटिस करना है। उसका साथ साथ देखना है जो मेढक, अगर बड़ा मेढक होता है तो बड़ा मेढक अगर होगा तो उसको पकड़ना ही है, नहीं तो बड़ा मेढक आपको बहुत मछली खा जाएगा। कैसे पकड़ना है, उसके पकड़ने के लिए शाम से लेकर रात तक उसको पकड़ सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो क्या करना है, जब वो जहाँ पे भी है वहाँ पे जाके उसका मुँह आँखों का ऊपर टॉर्च लाइट मारिए रात का टाइम में, तो टॉर्च लाइट मारने से क्या होता है, वो दूसरे को और कुछ देख नहीं सकता, तो उसी टाइम आप उसको पकड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप फेंक दीजिए, जो आपका मर्जी कीजिए, ठीक है, पर ये सब काम आपको करना है। और सबसे बेस्ट है आप धीरे धीरे पार पॉइंट को कवर कीजिए चारों साइड से। और अभी जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा 2 एकड़ का है, और हम लोग इसमें मोरल कल्चर करूंगा, उसके लिए रेडी कर रहा हूँ, इसका भी अपडेट बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। और ये जो फार्म पीछे भी जो ज़मीन दिख रहा है वो भी अगले साल बनेगा, अगले साल नहीं, इसी साल का नवंबर महीने से बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत कुछ अपडेट मिलने वाला है। और छत्तीसगढ़ में जो रहता है वो तो अंबिकापुर कभी भी आके विज़िट कर सकता है, मैं जब रहूँगा और मैं अपडेट दे दूँगा कब कहाँ पर रहूँगा, तो आप भी आके यहाँ आके देख सकते हो। तो आप साथ में रहिए, बहुत ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो थैंक यू।